गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, से गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, से आई एम फाइन थैंक यू मैम। चलिए, विच नंबर इज दिस बच्चों? नंबर वन, नंबर टू, नाउ टेल मी नंबर थ्री। चलिए, आज मैं एक आपके लिए एक्टिविटी लाई हूँ ताकि आपको नंबर थ्री का काउंट एंड राइट भी आ जाए। सिर्फ काउंट एंड राइट मत करना अभी, क्योंकि आपकी मैम ने आई थिंक सो टू और थ्री नहीं करवाया। तो आपने क्या करना है, वो फ्लैश कार्ड्स अपने ऑब्जेक्ट्स के आगे रखने हैं, जैसे आपकी मैं रखूंगी। चलो तो स्टार्ट करें अपनी एक्टिविटी, लेट स्टार्ट। ओके बच्चों, नाउ टेल मी हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर काउंटेड। तो मेरे साथ साथ बोलना आप, वन टू, हाँ जी बोलिए, थ्री। तो देखिए, अब मैंने ये फ्लैश कार्ड्स रखे हैं, तो अब आपको क्या करना है, पिक द थ्री वन। कौन सा है इसमें से थ्री लिखा हुआ फ्लैश कार्ड, जल्दी से बताइए। इज दिस थ्री? जी हाँ, वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे, ये थ्री पेंसिल्स के आगे रख देंगे, वेरी गुड। नाउ टेल मी हाउ मैनी कैंडीज आर देयर, काउंट विद मी बच्चो, वन टू, वेरी गुड। नाउ टेल मी विच नंबर इज टू, इज दिस टू? वेर इज टू, आई डोंट नो, टेल मी वेर इज टू। जी हाँ, दिस इज नंबर टू। तो आप इस ऑब्जेक्ट्स के आगे क्या रख देंगे बच्चों, नंबर टू। देखिए, वन टू थ्री, तो उसके आगे हमने क्या रख दिया, थ्री। और यहाँ कितनी कैंडीज है, वन टू, तो हमने कौन सा फ्लैश कार्ड रख दिया बच्चों, टू। नाउ टेल मी हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, ओनली वन, देयर इज वन एप्पल। तो आपको तो पता ही है वन, तो हम वन यहाँ रख देंगे। तो आपने भी अपनी मम्मा की हेल्प से फ्लैश कार्ड्स लेने हैं और ऐसे ही अपने आर्टिकल्स को रखना है और काउंट करके उसके सामने अपने फ्लैश कार्ड्स रखने हैं। क्यों रखने हैं ऐसे, लिखना क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपको मैम ने टू और थ्री लिखना नहीं सिखाया। जब आपकी मैम आपको सारे आर्टिकल नंबर्स लिखना सिखा देगी, तो आपने नोटबुक पे लिखना है, लेकिन अभी लिखना नहीं है, सिर्फ काउंट करके आपको अपने फ्लैश कार्ड्स रखने हैं। और ये फ्लैश कार्ड्स आपको आपकी बुक सेट के साथ मिले हैं। तो डू प्रैक्टिस इट, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।